सरकार दिल में अपनी मोहब्बत उतार दो। الحمد لله التي يفعل الأفلاك والعظيم الصلاة والسلام على من كان نبيا وآده بين الضائرين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا اياه بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم الملك الغفور الرؤوف الرحيم. من علينا ربنا اذ بعث محمدا ايده بعيده ايدتنا باحمد ارسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد وعلى آله وصحبه عليه. ایک بار اور دین رسول کے فرما دے ایک بار اور دوسری کو مترانے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ایک آسان اور سیدھا سا ترجمہ ہو گیا اس ارشاد مقدس کا، جس کو آج کے لیے میں نے سرنامے بیان کرا دیا. اسلامی احکامات جتنے ہیں ان کا حکم دینے سے پہلے مخاطب ایمان والوں کو کیا جاتا ہے. پہلے ایمان، اس کے بعد سارے احکام. وجہ یہ ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل کارآمد نہیں، کوئی نیکی کام آنے والی نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے بغیر نیکی کا وجود ہی نہیں ہوتا. جو چیز نیکی کی شکل میں آپ دیکھتے ہیں وہ نیکی کی صورت تو ہوتی ہے، نیکی کی حقیقت نہیں ہوتی. ایمان والا سچ بولے ایک نیکی، ایمان سے ہٹ کے سچ بولے اب یہ کوئی نیکی نہیں. جڑ والا پودا کچھ اور ہوتا ہے، اور جس کو کوئی جڑ بھی نہ ہو تو شکل و صورت کا ملنا اور ہے. سچ کی حقیقت بظاہر ایک جیسی لگتی ہے، مگر وہ سچ کیا جو خدا کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو. یہ قبولیت ہوتی ہے ایمان سے. ایمان کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے جب اور دوسرے اعمال دیتے ہیں، یہ سب شاخیں. اگر جڑ ہی نہ ہو تو پھولوں میں مہک نہیں آ سکتی، پھلوں میں مٹھاس نہیں آ سکتی. یہ سب کوئی سے اور یہ سمجھنے کے لیے
कि ये कैसे पता चले कि ये पौधा जड़ वाला है या बगैर जड़ का? क्या बगैर जड़ के भी कोई पौधे होते हैं? कहीं नहीं होते। ऐसा तो पौधा आपने देखे नहीं होगा, मगर ये तरक्की का जमाना है, मैंने प्लास्टिक के पौधे बहुत देखे, उसमें जड़ नहीं और उसके फूल ये सही पौधों के फूलों से भी अच्छे लगते हैं और फल भी ऐसे ही लगता है बिल्कुल, सब प्लास्टिक का, उसमें जड़ नहीं होते। और खास पहचान ये है कि जड़ वाले पौधों को जब लोग सरसब को शादाब रखना चाहते तो जड़ में पानी देते, जड़ में गुदा पहुंचाते, और प्लास्टिक वाले पौधे जो है उसमें जड़ में कुछ है ही नहीं, ऊपर से धुलाई होती। वो ऊपर से धुलाई करते हैं। तो जो ईमान पर जोर दे और ईमान के बचाने की तदबीर करे, समझ लो वो जड़ वाला, और जो सिर्फ ऊपर ही की सफाई कर रहा और जड़ का ख्याल ही नहीं, वो प्लास्टिक वाले। तो प्लास्टिक वालों के फूलों में फूल तो दिखेगा, महक नहीं होगी, अंत होगा, मिठास नहीं होगा। ये तो सिर्फ जड़ वाले पौधे हैं जिनके फल मीठे होते हैं, जिनके फूल महकते हैं। तो ईमान का पानी ऐसा जो रूह और दिल को पाक को साफ करता है। कुएं के पानी, दरिया के पानी से आप जिस्म को पाक करते हैं ना, और ईमान के पानी से रूह पाक। जिस्म ना पाक तो क्या इबादत के लिए आप मस्जिद में जा सकते हैं? अगर जिस्म पाक नहीं है तो इबादत के लिए आप मस्जिद में नहीं जा सकते। ऐसे अगर रूह पाक ना हो, दिल पाक ना हो, तो जो कुर्बे इलाही की मस्जिद है वहां भी गुजर आप करिए। इसीलिए ईमान की शर्त या अय्युहल लज़ीन आमनू, खौफे खुदा की दावा किसको? सिर्फ ईमान वालों। तकवे की बात किससे? सिर्फ ईमान वालों से। परहेजगारी का हुक्म किसे? सिर्फ ईमान वालों को। क्यों? अगर ईमान नहीं है न कोई तकवा का काम, न कोई परहेजगारी, देखने में परहेजगारी लगती है, परहेजगारी का वजूद ही नहीं होता ईमान के बगैर। यहां पर एक बात और बता दूं कि एक चीज है तौहीद, लोगों को मुखालता हो रहा है, चंद बातें बताकर रवाना हो जाऊंगा। एक चीज है तौहीद और एक है ईमान। तौहीद कहते हैं खुदा को एक मानना, और ईमान कहते हैं अल्लाह के रसूल को बरहक मानना। यहां एक लफ्ज का ख्याल रखिएगा, मैंने कहा क्या है? बरहक मानना, बरहक जानना नहीं। मैंने मानने पर बरहक जानना नहीं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल को बरहक अबू जहल नहीं जानता। जानना और है मानना, बरहक मानना यही ईमान। इसीलिए इस्लाम ईमान की दावत देता है, तौहीद की दावत नहीं देता। ईमान इसलिए कि तौहीद बगैर ईमान के बेकार, बेसूर। आप ख्याल करते जाए, मैं इसको दलाइल की रोशनी में बात करूं। ईमान की दावत सूरह मुबारक का पढ़ते रहे, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब तुम कहते रहो कि वल्लाह एक है, तुम कहते रहो। क्यों कहते रहे? क्या अल्लाह को एक कोई अपनी अकल से नहीं मान सकता? याद रखो, अल्लाह की तौहीद को अकल से भी समझा जा सकता है,
इसीलिए जहां ऐसी जगह आज नहीं है, फर्जी शक्ल है कि जहां किसी नबी की हिदायत न पहुंची वहां भी नजात के लिए खुदा को एक मानना जरूरी, यानी तौहीद ये फर्ज है ऐसे लोगों के लिए भी जहां नबी की दावत न पहुंची हो, इसलिए कि खुदा का वजूद और उसकी तौहीद को अक्ल से समझा जा सकता है। इसीलिए तौहीद और वजूद में किसी भी मुफक्किर का इख्तलाफ नहीं। अब ये और बात है कि नफ्सा तौहीद का सबों ने अलग अलग बना के रखा है, मगर तौहीद का कौन किया तो अक्ल से समझा जा सकता है, मगर दोस्तों नबी की हिदायत आने के बाद अब अक्ल से तौहीद को समझना काफी नहीं। नबी की हिदायत के आ जाने के बाद तो ऐ महबूब तुम कहते रहो तौहीद का दर्स देते रहो, इसलिए जो अपने अक्ल से अपने शऊर से अपने इदराक से खुदा को एक समझेगा वो मुवहिद है, और जो तेरे पहले से मानेगा वो मोमिन है। जो तेरे पहले से मानेगा वो मोमिन है। हमें मुवहिद नहीं बनाना है, मोमिन बनाना है। अरे उस मुवहिद का जिक्र आपने नहीं सुना जिसका जिक्र करके गए अल्लामा तौसीफ रज़ा, एक मुवहिद का जिक्र किया था। और सिर्फ मुवहिद नहीं था, सूफी भी था, मौलवी भी था, आबिद भी था, जाहिद भी था, जाहिद भी था, मुअल्लिफ भी था, मुअल्लिफ भी था और मुजाहिद भी था। कितने कितने और साफ उसके पास थे, और खुदा जानता था कितना होने के बाद एक ये बिगड़ेगा। खुदा के मानने में उसे कभी ना तकल्लुफ था न कभी होता। आमन तो बिल्लाहे व मलाइकते ही इसका आमिल पहले ही था। वो अल्लाह को भी मानता था, मानते ही नहीं था, बातचीत भी होती थी, मलाइका को देखता था, मलाइका को दर्श देता था। और जान दो कितना बड़ा आलिम, मैं तो बड़े इत्मीनान से कहता हूं कि इतना बड़ा आलिम तलाश करोगे तो नहीं पाओगे। इसलिए कि जितनी फिक्र है सबका वो आलिम, चाहे वो शाफई फिक्र हो, चाहे मालिकी हो, चाहे वो हम्बली हो, चाहे वो हनफी हो, जितनी फिक्र है सबका वो आलिम है। और जितनी फिक्र है इस वक्त मालूम हो चुके हैं, ये तो राय है चारों, उनका भी वो आलिम, कुरान का आलिम, हदीस का आलिम, रास्ते भलाई के कितने वो भी जानता, शर के रास्ते कितने वो भी जानता। अरे अगर सारी शरीयत का इल्म उसे ना हो तो क्या जाने खैर क्या है शर क्या है, और जब ना जानेगा तो कहलाएगा कैसे। बुराइयों से हटाता है, बुराइयों की तरफ ले जाता है, भलाइयों से हटाता है, तो जानता है कि इसमें भलाई है इसमें बुराई है। इसीलिए तो इतना बड़ा इल्म रखने के बावजूद मजबूत हो गया, इसलिए कि जब तक नबी नहीं आए थे उसकी तौहीद उनके काम की थी। जब तक नबी को नहीं भेजा गया था वो तौहीद के ऊपर प्रवास कर रहा था, मगर अब जब नबी आ गया है तो अब अगर तुझे सही रहना है तो पहले इसकी तादीम कर, इस नबी को मान ले। जब तक नबी को नहीं मानेगा तेरी तौहीद तेरे काम नहीं आएगी, तू मर्दूद हो जाएगा। सूफी बनाकर, मौलवी बनाकर,
जाहिद बनाकर, आबिद बनाकर, मुअल्लिम बनाकर मर्दूद कर दिया, मर्दूद कर दिया। इसमें इबरत है उनके लिए जो अपने को सूफी समझते हैं, मौलवी समझते हैं, आबिद समझते हैं, आकिल समझते हैं, जाहिद समझते हैं। बेखौफ मत रहना, बेखौफ मत रहना, और ये समझ लेना कि सारा इल्म, सारा तकवा उसी वक्त काम आएगा जब तेरे दिल में नबी की अजमत हो, नबी से मोहब्बत हो, नबी पर ईमान होगा। मेयार बना दिया कि नबी के आगे झुक जाओ। एक बात बताओ, जब कोई आदमी किसी के आगे झुकेगा तो तासीम कब करेगा? उसे इल्म हो कि ये अजमत वाला है। एक है अकीदे काजी, एक है अमले काजी। जिसका अकीदा ही ना हो तो काजी क्या करेगा। इस मुकाम पर एक बात मैं कह के और गुजर जाता हूं कि शैतान से जब कहा गया आदम की ताजीम को, तो उसने क्या कहा? मैं इनसे बेहतर हूं। ये तो बस अला कैबिन में। अब किसी को शैतानी फतवे ही से मोहब्बत हो तो शैतान का फतवा मैं सुना दू। शैतान का फतवा क्या है? ये फतवा नहीं है कि अजमत वाले की ताजीम नहीं की जाए। शैतान भी अजमत वाले की ताजीम को सही समझता है। फर्क यह है कि उसे आदम को अजमत वाला नहीं मानता, मानता तो पता, मानता तो। इसलिए उसने कहा ये तो पसंद, मैं तो जिन हूं, ये मिट्टी की, मैं आपका अना खैरु मिन हो। मुझसे कहा जाना झुको, इनसे कहा जाता मेरे आगे झुको तो बात फायदे की थी। मगर असमत वाला उसने नहीं माना, इसलिए नहीं झुका। इसी पर एक इशारा करके गुजर जाता हूं कि उसने तो नहीं माना, ये उसकी बदकिस्मती थी, नतीजे में नहीं झुका। वो कितने अजीब लोग हैं जो किसी को अजमत वाला माने भी और ताजीम ना करें। तो शैतान कहेगा ये तो हमसे भी आगे, दूसरी बात गौर करने की यह है कि खुदा ने जो हमारा नाम क्या रखा, मुवहिद रखा, मुवहिद नहीं रखा, मोमिन रखा। तो असम मुस्लिम हमारा नाम मुस्लिम मुवहिद है। और कुरान में हमें जहां जहां खिताब किया गया तो कैसे या अय्युहल लजीना आमनू, यही तो है ना, या अय्युहल लजीना वहदू, या अय्युहल लजीना वहदू फैमिनू, ए तौहीदिये, ए तौहीदिये, ए ईमान वाले। और जहां हमारी तारीफ की मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, कहीं नहीं कहा गया मुवहिदीन मुवहिदा। उसको काबिल तारीफ कहीं नहीं समझा गया। तो इससे पता चला कि ईमान के बगैर तौहीद और एक इम्तिहान भी तो होगा ना, वो कब्र में। वो तीसरी बात अर्ज करूं, बार बार उसके मुताबिक आप सुनते ही रहते हैं, ज्यादा तफसील आते नहीं। दो सवाल तो बहुत ही आसान से गुजर जाएंगे। जो सवाल है मन रबों का, तुम्हारा रब कौन? हदीस। मदीनों का, तुम्हारा दीन क्या? और फिर मा तकूलु फी हाज़ा रजुल, ये आखिरी सवाल। एक बात आप समझते हैं कि यहां तुम कितना भी झूठ बोलो मगर कब्र में सच ही बोलो, वहां मक्कारी नहीं चलेगी। ये जिसमें कुछ और बोलो वहां तो सही बोलो, और यहां कोई भी जुबान बोलो वहां अरबी ही बोलो, अरबी समझोगे अरबी बोलोगे।
जब वो पूछा जाएगा इस मर्द के बारे में क्या कहते हो, ये आखिरी सवाल बहुत अहमियत का हामिल। और सवाल तो तीन है, तो कम से कम दो सवाल का तो सही जवाब दे देते, मगर तीन में एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाए। अरे किसी को तुम रब कह देते ना तो मन रुका के जवाब में दे देते, माँ दी रुका के जवाब में कुछ दे देते, नहीं दिया। अरे कमसम रबी अल्लाह कह दिया होगा, दीनियल इस्लाम कह दिया होता, कुछ तो कहा होता। यहां तो तुम अल्लाह को रब कहते रहे, इस्लाम को दीन बताते रहे, तुम जवाब देने में कोई सिद्ध कम से कम दो का तो जवाब देते, मगर उसका भी जवाब देते हैं हाथ लादरी है हाथ लादरी। मालूम के सवाल तो तीन है, मगर तीनों की रूह एक है, जिसको एक का जवाब नहीं आएगा किसी का भी जवाब नहीं आएगा, जिसको जवाब नहीं आएगा यानी जो रसूल पर ईमान का जवाब नहीं रखता वो खुदा की तौहीद का भी जवाब न दे सकेगा, वो खुदा के तौहीद का भी जवाब न दे सकेगा। और कितने प्यारे अंदाज से कहा गया, मां तकूलो फी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते। यहां कुछ लोग बड़े नुक्ते पैदा करते हैं, इसीलिए इसका जवाब भी जगह जगह देना जरूरी होता। जो भागा इस मर्द, एक लफ्ज है इस मर्द, एक है उस मर्द, आप इस पूछते हैं हा सा जालिका उस मर्द इस मर्द, इसका लफ्ज बता रहा है कि जिसके बारे में सवाल किया जा रहा है वो करीब है, वो करीब। और फिर उसके बाद लोग क्या कहते हैं, उनको लिए मुश्किल है कि एक गुंबदे खजरा वाला सारी कमरों में कैसे, बड़ी है इसमें हैरत नहीं कि दो हजरात लकीरें सारी कमरों में कैसे, इसमें हैरत नहीं एक मलकुल मौत सारे मुर्दों के सामने कैसे, इसमें हैरत नहीं। गुलाम की ताकत मानते हैं, आका की बात नहीं मानते। एक गुंबद खतरा वाला सारे जहां कैसे, तो अब उसके लिए देखिए अपनी गद्दे क्या लगाए उन्होंने, गद्दा ये लगाया कि भाई देखो असल में उन नबी की तस्वीर दिखाई जाती है, वो फरिश्ते तस्वीर ला के पूछते हैं कि इस मर्द के बारे में क्या कहते हैं, तो उनसे ये पूछो कि तस्वीर लेने वाले दो ही हैं ना, दो ही हैं ना, और वो हर कब्र में, तस्वीर उनके पास एक ही है, तस्वीर एक ही है, एक रसूल की एक तस्वीर करोड़ों कब्रों में पहुंच जाए और खुद दाते रसूल ना पहुंच सके, खुद दाते रसूल ना पहुंच सके तस्वीर पहुंच जाए। खुदा जब दीन लेता है तो अपने सिर लेता है, और दूसरी बात ऐसी पक्की तो है कि इसमें यह तो नहीं कहा गया मा तकूलु फी हाज़ा तस्वीर, इसमें कहा गया मा तकूलु फी हाज़ा रजुल, इस रजुल के इस मर्द के बारे में क्या कहते हो। याद रखो मर्द की तस्वीर मर्द नहीं, औरत की तस्वीर औरत नहीं, पानी की तस्वीर पानी नहीं, आग की तस्वीर आग नहीं। अगर तुमने पानी की तस्वीर को पानी कह दिया तो प्यास लगेगी, तस्वीर पेश कर दी जाती है। अगर खानों की तस्वीर को आपने खाना कह दिया फुर्सत मिल जाएगी खिलाने वालों को, हर एक के सामने एक तस्वीर पेश कर देंगे अपनी भूख में डालो तस्वीर, मतलब मर्द की तस्वीर मर्द नहीं। तो याद रखो नासुक है, तो रिश्ते क्या कहते मैं तकूलु फी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते हो, और जवाब देने वाला सही जवाब हाज़ा नबी होना
रसूलुल्लाह। याद रखो, नबी की तस्वीर नबी नहीं है। जो नबी की तस्वीर को नबी कहे वो भी काफिर। तो यही तो मैं कहता हूं कि मर्द की तस्वीर को मर्द कहना झूठ है और किसी तस्वीर को नबी कहना कुफ्र है। तो हदीस का ऐसा मतलब मत बताओ कि फरिश्ते झूठे हो जाएं, मुर्दे काफिर हो जाए। मुख्तसर ये है, नबी का मानना ईमान, नबी का मानना ईमान। वो वाकया याद करो, इस सिलसिले में दो रवायतें। एक तो रवायत है कि ये एक मोमिन मुनाफिक के मुताल्लिक आई आयत, समझो। और एक रवायत ये है कि ये हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर और एक अंसारी के मुताल्लिक। वाकया करीब करीब एक ही जैसा था, बाग में पानी चलाने की बात, पानी चलाने की बात थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर और एक अंसारी, सरकार ने हजरत अब्दुल्लाह के हक में फैसला कर दिया। अंसारी को जरा सा थोड़ी तकलीफ हुई, उस पर पुराने करीब का नुजूल हो गया। किस आयत को मैं बाद में करूं, एक दो रवायत शामिल नुजूल के सिलसिले। और एक रवायत यह है कि एक मुनाफिक और मोमिन का मामला यह है। और शोहरत इसी को है, आमतौर से लोग इसी को बयान करते हैं। ये मामला मोमिन का नहीं था, एक मुनाफिक का, एक खुले हुए यहूदी का। यानी एक खुला हुआ काफिर, एक छुपा हुआ काफिर। ये मामला दो के बीच में है। हुजूर ने यहूदी के हक में फैसला कर दिया। अल्लाह, वाकया चूंकि आप बात बात सुनते हैं इसलिए वाकया निकालने नहीं करूंगा, बात आगे बढ़ने के लिए। और बात फैसला कौन करे, तय हुआ कि हुजूर फैसला करेंगे, तो हुजूर ने फैसला कर दिया। मगर मुनाफिक को हुजूर का फैसला पसंद नहीं है। उसने ख्याल किया कि सरकार नहीमुल की तरफ है, कहीं कड़ी जगह चलो जहां यहूदी का नाम भी सुनकर बिगड़ जाए। तो फारूक आजम याद करो, फारूक आजम जब याद पड़ गए वहां चले। हालांकि न वो खलीफा, न इस वक्त वो अमीरुल मोमिनीन, न सल्तनत उनका कोई मुकाम। देखो सिद्दीक अकबर को भी छोड़ दिया वहां पहुंच गए। अशिद्दौल कुफार वाली सिफत ऐसी चमक रही थी, वहां पहुंच गए। जब पहुंचे तो यहूदी ने साफ साफ बता दिया कि हम आपके रसूल की बारगाह से आ गए। उन्होंने ये फैसला किया, मुनाफी समझता कि मुझे बजाहिर मुसलमान समझकर मेरी मुआफकत करें। उसके दिल में यह क्या बात हो, क्या आदम गए अंदर, जाने के बाद तलवार लेकर निकले, मुनाफी की गर्दन उड़ा दी। बात तो इतनी सी और शोर मच गया कि उमर ने मुसलमान को मारा, उमर ने मुसलमान को मारा। यहां ठहर के एक बात सुनो, खुदा जब दीन देता है तो अपने छीन लेता है। दुनिया का तरीका है कि जो हाई कोर्ट में हारता है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और ये बेवकूफ सुप्रीम कोर्ट से हार के हाई कोर्ट में आता और उसके बाद जब फारूक आजम बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, जुबान हाल कुछ बोल रहे, फारूक आजम की कैफियत कुछ आवाज दे रही है,
अल्लाह के रसूल, हमने कलमा पढ़ने वाले को जरूर मारा मगर मुसलमान को नहीं। हमने आपके पीछे इख्तदा करने वाले को जरूर मारा है मगर मुसलमान को नहीं मारा। हमने जमात में शरीक होने वाले को, माल गनीमत में हिस्सा लेने वाले को जरूर मारा है लेकिन मुसलमान को नहीं मारा है। फला वरब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्कमूका फीमा शजरा बैनहुम। आपके रब की कसम ये ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक अपने मुशाजरात में आपको अपना हाकिम न बना। फैसला हो मानना तो बड़ी बात है दिल में खटक भी ना हो, मानना तो बड़ी मुश्किल है दिल में खटक ना हो और मान ले जैसा मानने का हक है। देखा जब ये बात फारूक आजम ने कहे हजरत जिब्रील भी इन्हीं लफ्जों को लेके उतर आए, इन्हीं अल्फाज को लेके उतर आए। दुनिया देख रही थी कि फारूक किस बात पे कुरान को मगर मैं आपके जहन को और गहराई में ले जाऊं, आपके जहन को गहराई में ले जाऊं। ये एक यहूदी की रवायत थी ना और एक मुनाफिक की रवायत थी कि हम नबी के पास से जाके आए। इस पर फारूक आजम ने इतना यकीन कर लिया कि तहकीर की भी जरूरत। अरे कुछ वक्फा था हुजूर के पास चले जाते, ए अल्लाह के रसूल क्या ये आपके पास आए थे, क्या आपने ऐसा फैसला किया था, मदीना कौन सा दूर, सरकार कितने फासले पर, नहीं गए मान लिया और मान लेने के बाद अंदर गए तलवार लेके निकल पड़े। महबूब की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होती, अकल इंतजार करती है इश्क इंतजार नहीं करता। एक बात बताऊं हद नाफिस करना ये तो हाकिम का काम है। हजरत उमर हाकिम का दर्तन काट देना, उस वक्त सरकार हाकिम थी। सरकार इसने अगर सबको हम गर्दन काटने की इजाजत दे दें जो हुदूद है, हुदूद सिर्फ हाकिम ही नाफिस कर सकता, दूसरे हक नहीं रखते। ये गर्दन कट गई और हाकिम मौजूद, उससे फैसला नहीं कराया और आपने गर्दन को मुर्तद हो गया तो आपने गर्दन काट दी। मुर्तद की भी गर्दन हाकिम काटता, दूसरे को हक नहीं की गर्दन काटे। चोर का हाथ हाकिम काटेगा, रमिये जिमार हाकिम कराएगा, बदकारों पर कोड़ा हाकिम लगवाएगा। अगर हाकिम के जिम्मे ये काम ना हो तो फसाद दफा हो जाएगा, खर्च खाना जंगी शुरू हो जाएगी। लिहाजा अगर हुकूमत इस्लामिया नहीं है, हाकिम इस्लाम नहीं है, हद का निफास भी नहीं होगा। हद हाकिम ही नाफिस कर सकता,
ऐसी गैर इस्लामी हुकूमतें जहां हकीम इस्लाम नहीं है वहां अगर कोई सजा दी जाती है उस सजा का नाम हद नहीं है, ताजीर। कि ताजीर कोई भी कर सकता है मगर हद जो है वो तो हाकिम ने कहा। इसलिए हमारे यहां ताजीराते हिंद का लोग आता है, ताजीर का लोग इसीलिए आया। ताजीर कोई भी किसी भी सजा को ताजीर दे सकते। हाँ, तुम्हें बात यह कहना था हाकिम मौजूद और हाकिम की इजाजत नहीं थी और कत्ल कर दिया, क्या समझो दोस्तों? दूसरे काफिरों का मामला कुछ और है, वहां हाकिम की इजाजत की जरूरत है, मगर गुस्ताखे मुस्तफा के लिए हाकिम की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये दरबार अजीब दरबार है, बड़े से बड़े दरबार वालों के खिलाफ अपील की जा सकती है मगर ये मुस्तफा की बात है। जो जो फैसला कर दे मान, किसी औरत की शादी किसी मर्द से कर दे, किसी मर्द की शादी किसी औरत से कर दे, दम मारने की गुंजाइश, दम मारने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए कि मुस्तफा का हर फैसला ये खुदा का फैसला है। किसी मोमिन मुसलमान मर्द को हक ही नहीं है इजा कदल्लाह व रसूल, कुछ अल्लाह उसका रसूल फैसला करे। फैसला तो रसूल ने किया था ना, ये फैसला तो रसूल ने किया था मगर उस फैसले को खुदा ने अपना फैसला कहा। रसूल का फैसला ये खुदा का फैसला, रसूल की नफरमानी ये खुदा की नफरमानी, रसूल की फरमाबरदारी ये खुदा की फरमाबरदारी, रसूल का जिक्र ये खुदा का जिक्र है, रसूल की इताअत ये खुदा की इताअत। दम मारने की गुंजाइश नहीं, और दम क्या जो फितरी बात होती है जिसमें इंसान मजबूर होता है, बारगाह है मुस्तफा में आओ तो उस पर भी कंट्रोल लो। नबी नबी की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद न करो। हजरत कैस जिनकी आवाज तेज थी और बुलंद हो जाती थी वो माजूर थे ना, कम सुनते थे, और जो कम सुनता है उसकी आवाज तेज हो जाती है। आपने देखा पहरों की कमिजाज है, खुद कम सुनते हैं तो समझते हैं सभी कम सुनते हैं तो चिल्ला के बोलते हैं, तो आवाज तेज रहती। आए उतरी वो घर में बैठ गए कहीं मेरे लिए न उतरी। फितरी आवाज इंसान को कोई उसमें तौहीद की नीयत ही नहीं, उस पर भी कंट्रोल करो। नबी की बारगाह में आवाज बुलंद ना करो। और सुनो इसका बड़ा जबरदस्त, अगर तुम नबी की बारगाह में अपनी आवाज को पस्त करोगे तो खुदा तुम्हारी इस बात को बुलंद करेगा। वहां जितना झुकते जाओगे उतने ही सब बुलंद होते जाओगे, और जहां जितना तुम कड़े होते जाओगे उतने ही बर्बाद होते चले जाओगे। और ये बेअदबी इतनी खतरनाक, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे अमल सब बेकार हो जाए, तुम्हें पता भी नहीं चले। इस नुक्ते को ध्यान में रखना, अमल बेकार हो गए और पता भी नहीं चले, ये बड़ा नुकसान, ये बड़ा नुकसान। शऊर भी चीज चली गई जाने को शऊर भी, ये जबरदस्त सजा।
अब आप कुछ कमा के रखे तिजोरी में, कमा के रखते और मुतमिन एक तिजोरी भर गई, दूसरी भर गई, तीसरी भर गई, आप मुतमिन है कि सब फंसाने वाले, और पीछे से कोई निकाल रहा उसकी आपको खबर ही नहीं। खबर होती तो फिर भर रहे थे, खबर नहीं मुतमिन बैठ, और जब जरूरत हुई तो माल का मैदान साफ, इतना मौका ही नहीं हुआ कि तलाफी माफात हो। यह अदम शऊर की वजह से, शऊर होता तो बचाने की कोशिश करते, तो गुस्ताखे मुस्तफा के आमाल भी छीने जा रहे हैं, अमल कराया भी जा रहा है, उसे छीना भी जा रहा है, उसे शऊर भी नहीं, अमल के खराब होने का शऊर भी नहीं है। कयामत में जाएगा तो समझेगा कि मैं 40 हज लेकर आया हूं, इतनी सकात के पैसे लेके आया हूं, इतनी नमाज लेकर आया, वहां गया तो सन्नाटा, कोई भी चीज नहीं, इसलिए कि वो करता गया, खुदा कराता जा रहा है और उसको खत्म भी करता जा रहा है। ऐसी बड़ी बारगाह, इनसे वाबस्तगी, इनका मानना, ये ईमान। फिर मैं तेजी से एक बात और अर्ज कर दूं, क्या मानना, इनको क्या मानना, कि मानना ईमान, क्या मानना, मानना इंसान, मानना अपना बड़ा भाई, मानना गांव का चौधरी, मानना कहीं का जिम्मेदार, मानना क्या मानना, नबी को हम क्या माने, ईमान वाले हम, तो जो आप उल्टे अगर नबी क्या मनवाने आए, अपने को आदमी मनवाने आए थे, अपने को इंसान मनवाने आए थे, अपने को कुरैशी मनवाने आए थे, अपने को मुत्तबी मनवाने आए थे, अरे नबी क्या मनवाने आए थे, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, अरे लोगों मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह का रसूल हूं, नबी क्या मनवाने आए थे, या अय्युहन्नबी इन्ना अरसलनाक शाहिदन व मुबशिरन व नदीरा व दाइयतन व मुहीदन व सिराजन मुनीरा, नबी क्या मनवाने आए थे, व मा अरसलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन, नबी क्या मनवाने आए थे, व रफअना लक ज़िक्र, नबी क्या मनवाने आए थे, व मा हुवा अलल ग़ैब बिदलील, ये नबी ग़ैब की बात बताने में बख़िल है, क्या मनवा, तो नबी जो मनवाने आए थे वो मानो, क्यों, नबी अपने को आदमी मनवाने नहीं आए, उस दौर के लोग सभी नबी को बशर कहते थे, तो जो लोग पहले ही से मानते हो उसे क्या मनवा, जो लोग पहले से मानते थे, जहां तक लोगों के जहन की रसाई थी, क्या किसी ने उनके बशर होने से इनकार किया, क्या इंसान होने से इनकार किया, क्या आदमी और हाशमी होने से इनकार किया किसी ने, तो जो चीज लोग मानते हो उसको मनवाना कैसा, तो अब जो नहीं मानते वही तो मनवाई जाएगी, जो नहीं मानते वही मनवाई जाएगी, तो नबी अपने को जो मनवाने आए थे वो मानो, वरना सबसे पहले नबी को के लिए तौहीन की नीयत से बशर का लफ्ज इस्तेमाल किया है इब्लीस ने, मैं कुन तुझे अर्चना बशर, मैं किसी बशर का सिजदा करूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। एक बात मैं यहां बता दूं, बशर का लफ्ज तौहीद का लफ्ज नहीं, बशर का लफ्ज तौहीद का लफ्ज नहीं, मगर पूरी बनियते तौहीद अगर इस्तेमाल करे तो तौहीद, अल्लामा का लफ्ज तौहीद का लफ्ज नहीं, मगर किसी जाए बुलाइए अल्लामा साहब की लड़ाई मजाक बना लो,
तो ये मत देखो कि कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, ये देखो किस नीयत से इस्तेमाल कर रहा है, क्या मर्तबा बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। अगर घटाने की नीयत से अपने बराबर करने की नीयत तो खूब है, तो इसीलिए किसी लफ्ज से उलझिए तो कल ये देखिए कि ये इस्तेमाल करने वाला किस नीयत से इस्तेमाल करता है। ना कहते नहीं बड़े हजरत बड़े हजरत इतनी तो मिल रहा, मगर मैं अगर साहब मैं आपको खूब पहचानता हूं, आप बड़े हजरत मैं खूब पहचानता यही तो मिल। तो अल्फाज जो है नीयत देखो, तो शैतान ने जो बशर का लफ्ज हस्ते आदम के लिए इस्तेमाल किया उनके मुकाम को बुलंद करने के लिए नहीं, अपने से घटाने के लिए। इसीलिए शैतान की इत्तबा में भी जो लोग बशर का लफ्ज नबी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो शैतानी नुक्ते नजर से बाहर नहीं हुए। आप ख्याल करते चले जाए तो जो नबी मनवाने आए थे वो जब ये कर चुको अब आगे की मंजिल आती है, नबी से पहले वाबस्ता हो जाओ, वाबस्तगी के बाद अब सारी मंजिल है। अरे आप इतनी भी बात नहीं जानते, थर्ड क्लास का डब्बा अगर अंजन से लगा है तो उस पर लोग बैठना पसंद करते हैं, बैठते हैं चलते हैं, और कोई फर्स्ट क्लास का डब्बा अंजन से बाहर हो बिल्कुल बेटी मत, उस पर कोई सफर नहीं करता। तो डब्बे को पर बैठने से पहले ये देख लो कि अंजन से वाबस्ता है कि नहीं, ये मत देखो कि ये किस क्लास का, ये मत देखो ये किस क्लास का। फर्स्ट क्लास का अगर है अंजन से वाबस्ता नहीं तो वो इस लायक नहीं है कि उस पर फ्री कोई बैठे। और थर्ड क्लास का डब्बा है अंजन से वाबस्ता, और अंजन से वाबस्ता होने की खास पहचान है कि जिस लाइन पर अंजन उसी लाइन पर हो, लाइन अलग नहीं होती, खास पहचान। और फिर पीछे से पकड़ लेता है वो, पीछे से पकड़ लेता है, और अंजन इतना वसीउ ज़र्फ है, इतना आला ज़र्फ है, ये नहीं देखता कि पीछे कौन है, फर्स्ट क्लास वाले हैं या थर्ड क्लास वाले। इंजन ये नहीं देखता, सबको ले चलता है और अपनी रफ्तार से ले चलता है, सबको ले चलता। ऐसा कभी नहीं होगा कि इंजन चले 60 मील की रफ्तार से, डब्बा चले 30 मील की रफ्तार, ऐसा कभी नहीं होगा। तो वो ये नहीं देखता कि पीछे फर्स्ट क्लास वाले हैं कि पीछे सेकंड क्लास वाले, वो सिर्फ ये देखता है पकड़ मजबूत है कि नहीं, अगर पकड़ मजबूत है तो रफ्तार का रंग वही है, रफ्तार का रंग वही। तो नबी से वाबस्ता कर आदमी हो गया गुनहगार भी होगा, अगर नबी से वाबस्ता है तो मोमिन, और नबी से वाबस्ता ना हो पूरी पेशानी सियाह कर ले काम नहीं जाता। असल चीज है नबी से वाबस्तगी, शैतान हज़रत आदम से वाबस्ता नहीं हुआ मर्दूद हो गया, और अबू जहल के बेटे हज़रत इकरमा रसूल से वाबस्ता हो गए सहाबी हो गए। नबी की वाबस्तगी मोमिन बनाती है। तो नबी को देखो, एक बात बताओ, आजकल तो शादियां बहुत हो रही, जगह जगह शादियां, तो उसमें दूल्हा होता है कि नहीं होता है, दूल्हा ना हो तो शादी भी ना, ये सारी भीड़ उसी दूल्हे की वजह से, ये सारा जश्न उसी दूल्हे की वजह से,
ये सारे बराती उसी दूल्हे की वजह से, दूल्हा घर रह जाए बराती आए कौन पूछेगा। ये जो कुछ पकवान हो रहा है, जो तवादो हो रही है, सब दूल्हे की वजह से। तो सुनो, जब बारात में दूल्हा होता है तो दूल्हे को सिर्फ दूल्हा ही समझा जाता है, उसके दूसरे औसाफ पर नजर नहीं की जाती, उसके दूसरे औसाफ पर नजर नहीं की जाती। बड़ा भी देखता है तो दूल्हा समझकर, छोटा देखता है दूल्हा समझकर, बाप देखता है दूल्हा समझकर, भाई देखता है दूल्हा, और उसकी जगह ऐसी मखसूस न बाप बैठ सके न दादा बैठ सके, ऐसी मखसूस जगह उसकी, दूल्हा 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 होता है। अब जो दूल्हा से जो ज्यादा अपने हाजिर कराना चाहता है, दूल्हा के करीब होना चाहता है, दूल्हा के बगल में बैठो खातिर करना होगी, दूर हो जाओगे खातिर में कुछ कमी हो जाएगी, दूल्हे के करीब। तो जितना करीब होके जाओगे उतना ही खातिर बढ़ती चली जाएगी। याद रखो, ये कायनात जो है, ये पूरा जश्न जो है, इसके इसके दूल्हा है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी कायनात के दूल्हा वही है, इसीलिए अंबिया भी देखते हैं तो दूल्हा समझता है, और जो दूल्हा से ज्यादा करीब, क्या शान है, दूल्हे से करीब हो जाओ तो इतने ऊंचे में पहुंच जाओ कि होश भी ना पहुंच सके, ख्वाजा भी ना पहुंच सके। ये गुंबदे खजरा वाले दूल्हे के करीब जो हो गए वो सहाबी हो गए। और जो जितना करीब हुआ, जितना करीब हुआ, अरे सबसे ज्यादा करीब होने वाले का देखो, जो गुंबदे रसूल वही गुंबदे सिद्दीक वही गुंबदे उमर, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, ये तमाम बड़ा गुंबदे तमाम की तो बता दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल। ये मत देखो तुम्हारी कीमत क्या है, कीमती के करीब हो। आप गए थे बादाम खरीदने के लिए ना, बादाम केला हर चीज खरीदने के लिए, तोला तोला के ले आए, फिर अब तोड़ लो, छिलका फेंक दिया, दाना रख लिया। अरे फिर कीमत तो तूने छिलके की भी दिया था, जब तोला आया था वो छिलका भी तो लगा हुआ था, तूने दिया था, आप तोड़ के उसे फेंक आया। कहा सुनो, जब करीब वो था कीमती था तो बड़ा होशियार था, कीमती वाले के करीब पहुंचे खुद कीमती हो गया, उसका भी वजन हो गया, तो चाहते हो कि तुम्हारा भी वजन हो तो किसी वजन वाले के करीब हो जाओ। अभी मैं सिर्फ एक हिस्से को बयान कर सका, दूसरा हिस्सा रह गया, वक्त की नजाकत भी ऐसी है और एक भरपूर तकरीर और भी होने वाली है, बस इसी पर बस बात हो जावा। अल्हम्दुलिल्लाह।